ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का वो दिग्गज ऑलराउंडर जिसके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ही पारी में 16 छक्के मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, वही एंड्रयू साइमन जिसने ऑस्ट्रेलिया को दो बार यानी 2003 और 2007 वर्ल्ड कप को जितवाने में अहम रोल निभाया, वही एंड्रयू साइमन जिन्हें क्रीज पर देखकर बॉलर्स की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों। 14 मई 2022 यानी शनिवार रात 10:30 बजे शहर से लगभग 50 किलोमीटर वेस्ट के हार्वे रेंज में वो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। जांच में पता चला कि ओवर स्पीडिंग की वजह से वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और तेज रफ्तार के साथ कार अनबैलेंस होकर पलट गई, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट सिर्फ 46 साल की उम्र में ही मौत हो गई। कार में वो अकेले ही सवार थे और खुद ही कार को ड्राइव भी कर रहे थे। क्रिकेट फैंस के लिए ये सच में एक बहुत ही बड़ी दुख की खबर है, एंड आई एम श्योर कि अगर आप भी क्रिकेट का शौक रखते हैं तो एंड्रयू साइमंड्स आपके भी ऑल टाइम फेवरेट की लिस्ट में जरूर शामिल होंगे। आइए इनकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं। एंड्रयू साइमंड्स का जन्म 9th ऑफ जून 1975 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनके पेरेंट्स में से एक वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते थे और दूसरे यूरोप से। वो जब सिर्फ 3 महीने के थे तो उन्हें एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। उन्हें अडॉप्ट करने वाली फैमिली ऑस्ट्रेलियन थी। बचपन में साइमंड्स टेबल टेनिस और क्रिकेट दोनों ही जमकर खेलते थे। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने हम उम्र बच्चों को बुरी तरह से हराना शुरू कर दिया था। ऐसे में उनके फादर केन ने उन्हें हर सैटरडे टाउन्सविल में लोकेटेड वांडरर्स क्रिकेट क्लब में ले जाना शुरू कर दिया और ये ट्रेनिंग 5 साल तक चलती रही। बचपन में साइमंड्स के कोच कहते थे कि उनकी लुक्स बास्केटबॉल स्टार लेरॉय लॉगिंस जैसी है और इसी वजह से उन्होंने साइमंड्स को रॉय बुलाना शुरू कर दिया और आज भी साइमंड्स को सभी लोकल्स उनके निकनेम रॉय से ही बुलाते हैं। साइमंड्स ने 1994 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना डेब्यू किया। उसके अगले ही साल वो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के ग्लूस्टर शेयर के लिए खेले, जहां उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच में 254 रन की धुआंधार पारी खेली जिसमें साइमंड्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 16 छक्के मारे और अगली ही पारी में 4 छक्के और मारे और इस मैच में टोटल 20 छक्के मार डाले और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस तूफानी इनिंग्स के बाद इंग्लैंड ने उन्हें अपनी टीम ए के साथ पाकिस्तान टूर पर भेजने का फैसला किया, पर साइमंड्स का मन तो ऑस्ट्रेलिया में ही लग चुका था और उन्होंने इंग्लैंड टीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फिर 1998 में साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने वनडे क्रिकेट का डेब्यू किया। सिर्फ 23 साल की उम्र में डेब्यू करने के बाद भी वो टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालात यहाँ तक आ गए थे कि 2002 में साइमंड्स ने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया और रग्बी में करियर बनाने का डिसीजन ले लिया, लेकिन फिर 2003 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कप्तान रिकी पॉन्डिंग ने उन पर भरोसा किया। इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले स्टार स्पिनर शेन वॉन डोपिंग चार्जेस में टीम से बाहर हो चुके थे और राउंडर शेन वॉटसन भी एक चोट के शिकार हो चुके थे। इधर माइकल वेबन और डैरन लीमन भी टीम में नहीं थे। इस मुश्किल हालात में 11 फरवरी 2003 को ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच खेला और ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर आग उगल रहे थे और तीनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब कर रखी थी। टीम सिर्फ 86 रनों पर 4 विकेटें गंवा चुकी थी। 6th नंबर पर साइमंड्स को खेलने भेजा गया। बुरी तरह लड़खड़ाते हुए इस मैच में वो कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के साथ पिच पर डटे रहे और 125 बॉल्स पर 143 रन की नॉट आउट इनिंग खेल डाली और टीम को 310 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा डाला और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही आराम से जीत भी लिया। उस साल का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया जिसमें साइमंड्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। फिर 2004 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया, पर टेस्ट में उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और कुछ दिन टेस्ट खेलने के बाद वो टीम से बाहर हो गए। 2 साल बाद उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया और साइमंड्स ने ठान लिया कि इस मौके में या तो करना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। एशियन सीरीज के मेलबोर्न टेस्ट में उन्होंने अपना पहला शतक लगाया। उन्होंने श्रीलंका, इंडिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2007-08 में सिर्फ 9 मैचेस में 777 रन बना डाले। इसी दौरान साइमंड्स ने अपना 162 रन का हाईएस्ट स्कोर भी बनाया जो कि इंडिया के खिलाफ था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 1462 रन बनाए और वनडे में 158 मैचेस में 40 की एवरेज से 5088 रन बनाए जिसमें 6 सेंचुरीज और 30 हाफ सेंचुरीज भी शामिल है। बॉलिंग में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ते हुए टेस्ट में 24 और वनडे में 133 विकेटें चटकाई। वहीं बात करें कंट्रोवर्सीज की तो इनसे तो साइमंड्स का हमेशा गहरा रिश्ता रहा है। 2009 में जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस बुलाया गया तो वो उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सीईओ मैकलम स्पीड के पास बिखरे बाल, नंगे पांव और काउबॉय हैट पहनकर पहुंच गए, जिस वजह से उन्हें बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी और उन पर फाइन भी लगाया गया। वहीं 2008 में ऑस्ट्रेलियन टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने वाली थी और सभी खिलाड़ी तैयारियों और प्रैक्टिस में जुटे हुए थे, लेकिन साइमंड्स प्रैक्टिस और टीम मीटिंग्स को छोड़कर शराब पीकर फिशिंग यानी मछलियां पकड़ रहे थे। 2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान मंकी गेट कांड भी हुआ था जिसमें साइमंड्स ने भारत के दिग्गज गेंदबाज हरभजन सिंह पर नस्ल भेद यानी डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाते हुए कहा कि हरभजन सिंह ने उन्हें ऑस्ट्रेलियन मंकी कहकर पुकारा, जिस वजह से भज्जी को कुछ वक्त के लिए क्रिकेट से बैन भी कर दिया गया था। और भी इसी तरह की कई कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से साइमंड्स की लाइफ हमेशा भरी पड़ी रही और उनकी लाइफ की मैक्सिमम कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए उनकी शराब पीने की लत ही जिम्मेदार थी। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो साइमंड्स की 2 शादियां हुई। उनकी पहली शादी उनकी बचपन की दोस्त ब्रूक मार्शल से 2004 में हुई, पर यह शादी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और एक ही साल में यानी सन 2005 में दोनों अलग हो गए।
फिर 2009 में वो फिर से एक रिलेशनशिप में आए। लॉरा नाम की एक लड़की से उनकी दोस्ती हुई और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों का प्यार गहरा हुआ और दोनों के दो बच्चे भी हो गए, बेटा बिली और बेटी क्लो। जब उनकी वाइफ लॉरा उनकी बेटी क्लो को जन्म दे रही थी, तब एंड्रू साइमंड्स आईपीएल के लिए इंडिया में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे। बेटी के बर्थ की न्यूज मिलने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि दोनों बच्चों के पैदा होने के बाद ही 2014 में उन्होंने शादी की। स्ट्रेंज बट इंटरेस्टिंग एज वेल। चलिए ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है दोस्तों, और शायद हम इस बारे में बोलने का कोई हक भी नहीं रखते। कुछ भी कहिए दोस्तों, पर वर्ल्ड क्रिकेट और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के इतिहास में एंड्रू साइमंड्स का नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाएगा। डिटर्मिनेशन मैटर्स फैमिली की तरफ से एंड्रू साइमंड्स को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।